जाओ हनी हनी, ये देखिए दोस्तों, आ जाओ इधर बाहर आओ हनी, इधर आओ हनी, इधर आओ, इधर बैठो, माशाल्लाह, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। तकरीबन है ना कल रात से यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बारिश हुई पड़ी है और अभी हल्की हल्की यहाँ पे है ना बूंदे टाइप की गिर रही हैं, जो कि आपको है ना नज़र भी नहीं आ रही क्योंकि काफ़ी है ना पतली पतली बूंदे गिर रही हैं। और यहाँ से है ना मैं अभी खरगोशों के लिए देखी घास लाया था और यहाँ पर रख दिया था मैंने खेत पर से, और ये इसके ऊपर चढ़े जा रहा है, लो यहाँ पर डाल दिया है, अभी आराम से खाएँगे। और दोस्तों बाकी बचा हुआ जो घास था मैंने इस पेटी के अंदर रख दिया है जिससे इन्हें मैं बाद में डाल सकूँ और ये बाद में आराम से खाएँगे। और यहाँ पर एक फ्रूट्स भी था, आओ नीचे आओ नीचे नीचे नीचे, हमारी प्यारी खरगोशनी तुम नीचे आओ, चलो ये लो यहाँ पे देखो, ये लो तुम ये भी खाना, ठीक है तुम्हें अच्छी लगती है ना, लो ये देखिए दोस्तों मैं इनके लिए फ्रूट्स भी लाया था वहाँ से खेत पे से, ये देखिए यहाँ पे मैंने फोड़ कर डाल दिया है, अब ये लड़ेंगे अब ये लड़ेंगे, चलो 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 ये लो तुम यहाँ खाओ ये लो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने है ना हमारी मुर्गी के लिए यहाँ पे डाल दिया है, खरगोशों के लिए वहाँ पे डाल दिया है, एक ही लाया था यार दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं लाया, लग तो भूसा ही रहते, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये तो खाते हैं मुझे पता था, लेकिन इनके लिए तो एक काफ़ी होता है फिर ये ख़राब हो जाते हैं इसलिए नहीं लाया मैं, लेकिन इनका नहीं पता था मुझे ये भी खाएंगे, यहाँ पर ये भी खा रहा है यार। तो कल से है ना मैं ज़्यादा लेके जाऊँगा। और घास तो इसके अंदर देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा घास है इसके अंदर, और यहाँ पर घास भी रख दिया है हमने दोस्तों इनके लिए, और यहाँ पर डाल भी दिया है घास और फ्रूट्स भी डाल दिए हैं इन्हें। और यहाँ पर हमारा असील मुर्गे को खोल देते हैं, चलो चलो बाहर चलो निकल गया, चलो 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 तो मैं भी नीचे खोलना यार। हल्की हल्की बारिश हो रही है दोस्तों, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, रात में हुई थी तेज़ बारिश लेकिन अभी है ना नॉर्मली हो रही है। चलो चलो ये देखिए, चलो 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 बाहर, हाँ इनको भी खोल देता हूँ मैं, चलो चलो ये देखिए दोस्तों सबके सबको है ना मैंने यहाँ पर खोल दिया है। अरे हल्की से यार तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप एकदम एकदम बढ़िया एकदम। अरे यार और मैंने खोल भी दिए सारी चीज़ों को, देखिए एकदम बारिश है ना अच्छी खासी यार हो गई है। तो नीचे तो यार ये बैठ जाते हैं छुपके, हमारी मुर्गियाँ बाकी भी घूम रही हैं बच्चों वाली, देखिए वो कार के नीचे छुपा के बैठी है अपने बच्चों को, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने खोल तो दिया है लेकिन बारिश इतनी नहीं होगी लगता है, तो इन्हें खुला रहने देता हूँ दोस्तों, चलिए इनको नीचे करके आता हूँ मैं जल्दी से। दोस्तों मैंने हमारे मुर्गा मुर्गियों को दोस्तों नीचे कर दिया है यहाँ पे, अभी है ना हमारी डक्स रहती है यहाँ पे देख सकते हैं घर के अंदर, तो इनको भी जल्दी से है ना मैं क्या करता हूँ नीचे छोड़ के आता हूँ। तो अभी मैं सबको नीचे छोड़ के आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारा छोटू है ना हमारे पास आया है क्योंकि इसे चाहिए खाना, तो इसको भी यहाँ से खाना देते हैं हम। अरे छोटू 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 की आज पूरी फैमिली खाएगी इसके साथ, ये देखिए, लेकिन छोटू को है ना हाथ में खिलाना पड़ेगा, लो छोटू जल्दी आओ जल्दी जल्दी छोटू, ये देखिए अरे हमारी पूरी मुर्गी खा जाएगी, लो 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 छोटा छोटा कर दिया मैं जल्दी जल्दी खा लेगा छोटू। ये देखिए दोस्तों हमारा खरगोश भी आ चुका है, ये देखिए लो जल्दी जल्दी खा लो, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, सब साथ में खा रहा है मिलके, ये अच्छी बात है लड़ नहीं रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा रैबिट और हमारा छोटू और बाकी है ना हमारी मुर्गी और उसके दोनों चूज़े कोई भी नहीं लड़ रहा है, देखिए यहाँ पर आराम से खा रहा है खाना, तो इनको यहाँ से खाएँ देते हैं। और पानी पता नहीं क्या कर रहा है, एकदम आ रहा है एकदम जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अच्छा है ये, तो ऐसी बारिश उन चीज़ ज़्यादा तेज़ होती है फिर तो यार दिक्कत आ जाती है, उसमें हमारे पूरे परिंदे और जानवर सभी गीले हो जाते हैं यार। यहाँ पे मुझे है ना अभी दो अंडे मिले हैं हमारे सेटअप पे, तो मैंने उनको उठा के यहाँ पे रख दिया है, और एक अंडा है ना मुर्गी और फोड़ दिया है पिंजरे के अंदर ही, तो वो मैं उठा नहीं पाया, अगर मैं पहले उठा लेता तो शायद वो बच जाता। तो यहाँ पर दो अंडे मिले हैं और ये मेरे पीछे पता नहीं क्यों घूम रही है, देखना अभी ये देखिए इधर गई, अब तो अंदर आओ इधर आओ, देखिए दोस्तों आएगी, ये देखिए लो खड़ी हो खड़ी हो, ये देखिए ट्रेंड सी है ये, इधर आओ इधर आओ जल्दी इधर आओ, ये देखिए दोस्तों खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, ये देखिए हमारी काफ़ी प्यारी है यार, इसका नाम है ना मैंने आपको बताया था, इसका नाम है हनी और उसका नाम है बनी, सॉरी मैं भूल गया था एकदम, इसका नाम है बनी हमारा, ये भी सुनता है लेकिन ये कम सुनता है, लेकिन हमारी है ना हनी काफ़ी प्यारी हो गई है, इससे पहले हमारा बनी था लेकिन सेम टू सेम इस बार हनी बनी है, तो ये भी है ना हमारी बात काफ़ी अच्छे सुनती है यार दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे पीछे पीछे आती है हमारी हनी, क्योंकि आप है ना जितना एनिमल से प्यार करेंगे एनिमल भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, देखिएगा अभी हनी आ जाओ जल्दी आओ हनी, आपने छोटू को भी देखा होगा दोस्तों, आप हनी को भी देख लीजिए यहाँ पर हनी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यार हमें, देखिए हनी है ना हमारी बिल्कुल भागती भी नहीं है दूर, देखिए अभी है ना फिर से जाएगी, हनी आ जाओ चले जाओ हनी हनी आ जाओ हनी हनी, ये देखिए दोस्तों आ जाओ इधर बाहर आओ हनी इधर आओ हनी इधर आओ इधर बैठो, माशाल्लाह ये देखिए यार
इसे है ना पेटिंग काफ़ी पसंद है, देखिए इस तरह से है ना बैठ जाती है। तो आपको है ना, आपको पास अगर रैबिट है तो उनको ट्रेन करना है तो आप उनको है ना पेटिंग ज़रूर किया कीजिए। इस तरह से है ना इनको काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि है ना ये खुजा नहीं पाते बेचारे, तो इनको है ना हम हाथ से है ना ऐसे करते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो मैंने है ना हमारे दोनों रैबिट्स को है ना ट्रेन कर रखा है। आपको है ना ट्रेनिंग की वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप अभी हनी बनी, हनी बनी, बनी देखिए बनी भी यार ट्रेंड हो चुका है हमारा, लेकिन है ना बनी कम बात सुनता है लेकिन हनी ज़्यादा सुनती है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि इनकी ट्रेनिंग की वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि रैबिट्स की ट्रेनिंग कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने की हुई है। अरे हनी बनी, हनी बनी आओ, हनी बनी आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ए बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी। ये देखिए दोस्तों दोनों यार आ चुके हैं। आपके अगर रैबिट को भी आपको ऐसे ट्रेन करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं भी एक ट्रेनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको है ना हमारे रैबिट्स की ट्रेनिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी यार दोस्तों हमने ना हमारे मास्टर केज का दाना पानी भी कर दिया सारी चीज़ों का। ये देखिए इनको भी यहाँ पर खाना पानी रख दिया, इन्हें खा भी लिया है, बहुत जल्दी खा लेते हैं क्योंकि भीगी हुई रोटियाँ रहती हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और दाना भी डाल दिया है मैंने, अगर इन्हें और भूख लगे दाना खा लें, वैसे इनका पेट इतने में भर जाता है, जितना खाते हैं ना उतने ही डालते हैं हमने। ये देखिए अब बाकी पानी बचा, ये पानी वानी पीना होगा तो पानी पी लेंगे। ये दोस्तों गंदा पानी नहीं है, इसके अंदर रोटियाँ मिक्स थी इसलिए ऐसा पानी हो गया इसका। और यहाँ पे देखिए हमने है ना हमारी पूरी डायमंडा और फिंचेस को भी यहाँ पे दाना रख दिया है, और हमारे फैंसी कबूतरों को भी यहाँ पे दाना डाल दिया है। लेकिन यार दोस्तों हमारा एक कबूतर है ना बीमार हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए ये वाला यार जो हम लाए थे ना भोपाल से आए, ये फैंसी कबूतर, ये यार बीमार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए इसकी आँख तो नहीं आ रही है लेकिन सर्दी हो रही है, मैं गोली भी खिला रहा हूँ लेकिन इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी फिर से दाना माना खाने के बाद है ना एक गोली खिलाऊंगा, तो देखता हूँ यार 3-4 दिन खिला के लगातार शायद इसे कुछ फ़र्क दिख जाए। और ऊपर भी है ना हमारा एक कबूतर बीमार हो रहा है तो उसको भी मैं गोली का खिला रहा हूँ यार, ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। और मौसम भी यार अभी ठंडा बना हुआ है शायद इसलिए ऐसे बीमारी बनी हुई है। तो यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी हमारा ये कबूतर भी ठीक हो जाए यार जल्दी से। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको भी है ना आपके खरगोशों को रैबिट्स को ट्रेन करना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर दोस्तों इस वीडियो पर 100 लाइक आ गए ना तो मैं है ना 100% है ना ऐसी वीडियो बना दूंगा कि आप है ना रैबिट को ट्रेन कैसे कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किए हैं। दोस्तों आपने देख ही लिए होंगे, और मैं है ना इस तरह से यार अपने सारी चीज़ों को ट्रेन कर लेता हूँ। हमने छोटू को भी किया हुआ है, रैबिट्स को भी, हर चीज़ को मैं आपको है ना अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, और मेरा लाइक टारगेट है 100 लाइक का, वो अगर आप पूरा कर देंगे तो मैं है ना नेक्स्ट वीडियो इनको ट्रेन करने की बनाऊंगा, इन्हें ट्रेन कैसे करते हैं। और बहुत ही ईजी ट्रिक है यार इसकी, कैसे ट्रेन करते हैं ये बहुत ही आसानी से है ना, अपने पेट बन जाते हैं, तो पेट तो है ही यार ये, लेकिन है ना ट्रेन हो जाते हैं और ये आपके है ना बिल्कुल पास आ जाते हैं, आपकी पेटिंग पसंद करने लगते हैं। तो मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।